हमारे नौजवानों को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी। याद रखना, याद रखना, ये जो छिलम वाले लोग हैं ये नहीं दे सकते नई चीजें। ये जो लोग हैं जो कभी आपको उलझा के रखते हैं, जब ये सरकार फंसने लगती है, ये जब सरकार फंसने लगती है तो क्या करती है सोचो आप। जैसे ही सरकार उलझती है अपनी चीजों में, वैसे ही घंटा बजाने लगते हैं। कभी घंटा बजाते हैं, कभी दिया जलाते हैं, और दिया जलाते हैं, कभी घंटा बजाते हैं। और फिर आप जब कभी इन्हें खतरा ज्यादा पैदा हो जाता है तो वो धर्म की नफरत फैलाने का काम शुरू करते हैं। कहते हैं ये हिंदू ही नहीं है, हम और आप हिंदू ही नहीं है। कहते हैं ये हिंदू ही नहीं, ये जातिवादी लोग हैं। ये बताओ पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं यादव लेन हो तो बता दो एक हमें, और इस अस्पताल में बताओ कोई यादव वाला दरवाजा हो तो बता दो हमें। तो ये जानबूझ करके हमें और आपको बदनाम करने के लिए करते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप देश को मजबूत चाहते हैं और समाज को एक तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और अपने भारत के झंडे को और ऊंचा करना चाहते हैं, और हमारी जो पूर्वजों ने जाने कितने लोगों ने संघर्ष और त्याग के बाद जो आजादी दी है, जो हमें संविधान मिला है, अगर उसके तहत आप समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी के आंदोलन को मजबूत कर देना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बुजुर्गों का धन्यवाद देता हूं, और अपने ट्रैक्टर लाने वाले जितने नौजवान, जितने किसान भाई हैं, मैं उनका आभारी हूं। संगठन के संतोष विधानसभा अध्यक्ष विद्याराम, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनके साथ और आसपास के जितने भी लोग आए, जिस भी विधानसभा के, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में सरकार बनाएंगे आप, और साथ ही साथ बहुत जल्दी, क्योंकि कई जिलों के शिविर हो चुके हैं, दो दो दिन दिन के, तीन दिन दिन, अरे रुक जाओ भाई, दो दो तीन तीन दिन के शिविर हो चुके हैं, प्रशिक्षण शिविर हो चुके हैं, छह हो चुके हैं, और बहुत जल्दी लगभग अभी आ जाएंगे 100। चलाएंगे नहीं, लेकिन चलाएंगे नहीं, हम बैठ जाएंगे अभी बैठ जाएंगे। शिविर कई जिलों के हो चुके हैं, तो इसलिए इटावा का भी, नहीं ये लड़का है, ये सपेरे का, सपेरे हैं, सपेरे दिखाएंगे तो नहीं, ए जाइए, ए टीवी वालों, देखिए ऐसा है, टीवी वाले दिखाएं, लेकिन ये सपेरे हैं। शिविर हुए कई जिलों में, कई जिलों में, कई जिलों में हो चुके हैं, बहुत जल्दी अपना शिविर भी होगा, तीन दिन का शिविर करेंगे, जिससे कि नौजवान जो हमारे हैं ये हमारी पार्टी के कार्यक्रम को भी समझें, सिद्धांत को भी समझें, और जरूरत है कि समाजवादी जो विचार हैं वो भी आप तक पहुंचे, और साथ ही साथ में अनुशासन और कैसे हम अच्छा कर सके।